डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। करीब 500 करोड़ रुपए के सरकारी जमीन बेचने के मामले में वांछित तीसरे अभियुक्त अखिलेश गोयल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अखिलेश गोयल के दो अन्य साथी नरेश यादव व सचिन गुप्ता को पूर्व में ही पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस मामले में आज यह तीसरी बड़ी गिरफ्तारी हुई है। अखिलेश गोयल का मेरठ के कंकड़खेड़ा में गोयल साड़ी व रेडीमेड नाम से बड़ा शोरूम भी है। करीब 80 से ज्यादा कच्ची कॉलोनियां काटने को लेकर के भी अखिलेश गोयल चर्चित है। दरअसल श्रद्धापुरी निवासी किसान गुलवीर सिंह ने 7 लोगों को नामजद करते हुए करीब 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी जमीन कब्जा कर बेचने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इनमें प्रमुख रूप से अखिलेश गोयल निवासी डिफेंस एनक्लेव, रमेश चंद सचिन निवासी डिफेंस कॉलोनी, विजय खुराना निवासी अंकुर एनक्लेव, देवेंद्र निवासी दायमपुर, अशोक व नरेश को नामजद किया गया था। आरोप लगाया गया है कि आरोपियों के इस गिरोह ने सरकारी पट्टे, रजवाही की नाली, चक्रोड नाले, नगर निगम मेरठ विकास प्राधिकरण और रेलवे की भूमि, बंजर भूमि, बेनामी राजकीय भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित कर लोगों को बेच दी गई है। जाहिर है कि ऐसा मेरठ विकास प्राधिकरण व अन्य संबंधित विभागों के अफसरों की मिलीभगत के बगैर संभव नहीं है। इस पर पिछले दिनों पुलिस ने नरेश यादव और सचिन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा लगाए गए आरोपों की प्रशासनिक जांच हुई तो प्रथम दृष्टया सेंट्रल बैंक की कई हजार वर्ग मीटर भूमि पर भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी विकसित कर उन्हें बेचने की पुष्टि हो गई है। इसके अलावा दायमपुर, फाजलपुर, कासमपुर सहित नगलाताशी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से बेचने का मामला सामने आया है। इन सभी जगह पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। गंभीर व दिलचस्प तथ्य यह भी सामने आया है कि एक फायर ब्रांड व चर्चित पूर्व विधायक ने अखिलेश गोयल और उसके गृह की लंबी चौड़ी शिकायत की थी, लेकिन जितनी तेजी से शिकायत की गई थी उतनी ही तेजी से वह दब भी गई। आज मेरठ SP सिटी पीयूष सिंह ने अखिलेश गोयल की गिरफ्तारी के संबंध में यह जानकारी दी। देखिए, थाना कंकड़खेड़ा पे दो अभियोग पंजीकृत किए गए थे जो अखिलेश गोयल और इसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज हुए थे। ये मुकदमे दिसंबर में लिखे गए थे, दिसंबर और जनवरी में लिखे गए थे। बेसिकली जो फ्रॉड था, ये लोग शेड्यूल कास्ट के लोगों की ज़मीन को बिना प्रॉपर लैंड यूज चेंज किए, ड्यू प्रोसीजर को फॉलो किए बिना, प्लॉटिंग के नक्शे को बिना अप्रूव कराए सरकारी ज़मीनों पर अधिग्रहण करके अवैध रूप से कच्ची कॉलोनियाँ काट रहे थे। इसके संबंध में ये अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पूर्व में भी दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी कड़ी में मुख्य अभियुक्त अखिलेश गोयल की कल सर्विलांस टीम और कंकड़खेड़ा पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई है। आज अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही इसमें प्रचलित है। निश्चित रूप से बड़ा भूमाफिया था। हाँ, काफी लंबा चौड़ा जो है नेटवर्क है इनका। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। वेलेंटिस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।